मेरा नेताओं से मतभेद था तथा अब तक है। ये मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भांति विदित होता है। आज भी मेरे वही विचार हैं। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे यह पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे, समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। समाचार पत्रों की ये नीति थी कि लीडरों की गलतियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भ्रष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निश्चय की दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका। मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही, और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था। उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंक। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी।
यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो यह अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदू मुसलमान में मतभेद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी अनेक नोटिस मिले और 16,000 रुपए की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उनका मूल कारण गांधी है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी न होता जैसा अब हुआ और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुसलमान राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे, जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता। इन्हीं दिनों में उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी वे सब भी केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की व्यर्थ पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी। गांधी जी ने यह निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए,
वहां उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं कराया? उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की? जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी है, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेश मात्र दुख न होता। उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवाह नहीं करती। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल यानी अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु यह अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि किसी गवर्नमेंट से उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। अपने प्रतिवृत्त के पहले खंड के पृष्ठ 143 पर न्यायमूर्ति कपूर ने उस समय वृत्त पत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया है। अनुच्छेद 12A 45 इस प्रकार है। बंबई के साप्ताहिक नेशनल गार्डियन ने अपने 17 जनवरी 1947 के अंक में नेहरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना, पाकिस्तान धौंस से जो पा न सका वो गांधी जी के हट्टाग्रह से पा सका, इस शीर्षक के नीचे दिया था, अपने राष्ट्रीय जनों का जिससे नरसंहार होगा वो पैसे देने का कृत्य हम नहीं करेंगे। ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई के धौंस को और दबाव में भीख नहीं डालेंगे, ऐसे वीरत्व के शब्द सुनने में आते थे। इतने में ही गांधी ने अनशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने को नेहरू शासन को बाध्य किया। 55 करोड़ प्रदान की स्वीकृति से लोग कैसे प्रक्षुब्ध थे, इसका ये उदाहरण है। मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, इसीलिए पाकिस्तान बना। जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पांचवे स्तंभ भी कहा गया है, उनकी निंदा की गई है। परंतु मेरी दृष्टि में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकी। इस स्थिति में हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिए। यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुदृढ़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रयत्न करके भी इसे न बना पाते। देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी, पर गांधी जी ने जनता को धोखा दिया और मुसलमानों के पाकिस्तान का पिता सिद्ध किया है। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्रपिता,
किंतु जिसने मातृभूमि का विभाजन करने में सर्वाधिक हाथ बटाया है। हैदराबाद की समस्या का भी यही इतिहास है। निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदुओं पर किए उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में गांधी जी से मिले थे। शीघ्र ही पता लग गया कि गांधी जी का व्यवहार इस विषय में भी विचित्र है। जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था, उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दत्तक पुत्र समझकर व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक गांधी जी जीवित थे तब तक सरकार हैदराबाद के विरुद्ध कुछ न कर सकी, यद्यपि वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन्न थी। यदि गांधी जी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कार्रवाई करने का निश्चय करती तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपने निश्चय बदलने पर बाध्य कर देते। जिस प्रकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय वापस लेना पड़ा था। जब गांधी जी अनशन ठान लेते तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छा अनुसार चलना पड़ता। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है यह अहिंसा यानी नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा, देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। मैंने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं, मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए संतोष का विषय है कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हैदराबाद की समस्या में अकारण देर हो रही थी। सरकार ने गांधी जी के मृत्यु के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलझा दिया है। भारत की आधुनिक राजनीति और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचुर युद्ध सामग्री होनी चाहिए। ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर यह सब कुछ करेंगे। यदि वे ऐसा कहें
तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे। ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है, तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं यह मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की, उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहममयी प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। यह मैं अवश्य कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे हृदय में कोई आदर न था, क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही थी। मैं देख रहा था कि ये नीति गांधी के कारण थी। अब ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्माण की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु मुझे ये कहते दुख होता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है। वे धर्म निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा। फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे हृदय ने कहा कि गांधी जी के विरुद्ध काम करना चाहिए। किसी ने मुझ पर इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में बहुत से मनुष्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था। स्वयं मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। यदि दूसरे लोग इसी दोष के लिए नहीं खड़े किए जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता। न्यायालय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से संबंधित साक्षीदारों की परिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए ऐसी मेरी इच्छा थी, और मेरे विधिज्ञों को भी मेरा वैसा आग्रह रहा था। इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा, यह स्पष्ट होगा।
मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं कि 20 जनवरी को मैं शांतिमय प्रदर्शन के पक्ष में न था। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए यह उपाय मुझे व्यर्थ प्रतीत होता था। फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया, यद्यपि इसमें सम्मिलित होने की मेरी आंतरिक इच्छा न थी। दैव योग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका और किसी कारण से जब यह प्रयत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई। आपटे और अन्य लोगों ने पुणे, बंबई, ग्वालियर में स्वयं सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला। तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंप में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला जिसकी कमर में कैमरा लटक रहा था। उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा। वो शरणार्थी ही प्रतीत होता था। मैंने फोटो खिंचवा लिया। जिस समय मैं स्टेशन पर आया मैंने आपटे को दो पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वर्णन किया और अपने फोटो भी भेज दिए। नानाराव आपटे से प्रेस और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा और दूसरा हिंदू राष्ट्र कार्यालय के पते पर। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन ईयर बुक, कांग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्मकथा, समय समय पर प्रकाशित कांग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइलें और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों से ये वक्तव्य तैयार करने में सहायता ली है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाए और किसी के मस्तिष्क में मेरे विषय में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। जिन्होंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानूनी सहायता दी और जो पुलिस ऑफिसर इस अभियोग से संबंधित हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उनके सद्व्यवहार के लिए उनका भी कृतज्ञ हूं। जेल के ऑफिसरों को भी धन्यवाद। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। यह सत्य है कि मैंने 300-400 लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलियां चलाई। मैंने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में भागने का विचार मेरे मस्तिष्क में आया ही नहीं। मैंने अपने ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न भी नहीं किया। आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायालय में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई। मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि भविष्य में सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। दिल्ली, 8 नवंबर 1948। नथुराम विनायक गोडसे, अभियुक्त क्रमांक 1।